हे दोस्तों, करवा चौथ की और बाकी सारे फेस्टिवल्स की पूरी तैयारियां तो हो चुकी, पर ये क्या फेशियल हमारा रह गया। अगर आप भी मेरी तरह ही हैं, जो बाकी मतलब सारी तैयारियां तो आपने कर ली हैं, लेकिन अभी भी पेंडेमिक के चक्कर से थोड़ा सा डर लग रहा है पार्लर में जाने में थोड़ा सा डर लग रहा है, और वैसे भी पार्लर के खर्चे भी बहुत ज़्यादा हैं, फेशियल बहुत महंगा है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। परसों है करवा चौथ, तो उसके लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही आसान सा फेशियल, जो कि हम घर पे ही कर लेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीनू और मैं लेके आई हूँ आपके लिए कॉफ़ी का स्पेशल इंस्टेंट ग्लोइंग फेशियल। उसका पहला स्टेप है क्लिंजिंग। क्लिंजिंग के लिए हम यूज़ करेंगे रॉ मिल्क, कच्चा दूध, जो कि बहुत ही अच्छा होता है क्लिंजिंग के लिए। उसके लिए सबसे पहले मैं इससे पहले अपने किसी भी फेस वॉश से आप मुंह धो के आ जाइए, और उसके बाद कच्चे दूध से, कई बार अपने फेस वॉश से मुंह धोने के बाद भी कई इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं फेस पे, उसको हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे कॉटन की हेल्प से, कच्चे दूध से। ये देखिए, थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ मुंह धोने के बाद भी रह ही जाती हैं, जो भी बची हुई गंदगी होगी ना, वो इससे निकल जाएगी। अब सेकेंड स्टेप है हमारा स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के लिए हम क्या करेंगे, चीनी को लेंगे, चीनी को थोड़ा सा मिक्सर ग्राइंडर में मिक्स कर लेंगे, उसका पाउडर बना लेंगे, और सेकेंड इंग्रेडिएंट है जो कि मेन है हमारा कॉफ़ी, और कॉफ़ी को भी उतना ही, आधा चम्मच चीनी और आधा चम्मच कॉफ़ी को हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि आजकल है सर्दियों का मौसम, सर्दियों में स्किन बहुत ही ड्राई हो जाती है, उसके लिए बेस्ट हमारे लिए होता है ये ग्लिसरीन। ग्लिसरीन को हम थोड़ा सा ऐड कर लेंगे, इसको थोड़ा सा गाढ़ा बना देंगे। अब हम अपने फेस पे लगा के इससे स्क्रब करेंगे, लगभग 2 से 3 मिनट तक हम स्क्रब करेंगे सर्कुलर मोशन में। इससे हमारी जितनी भी डेड स्किन होगी, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स जो भी होंगे, वो निकल जाएंगे। ये स्क्रबिंग बहुत ही अच्छी रहती है, ये तो वैसे भी हमें हफ्ते में एक दो बार तो कर ही लेनी चाहिए। इससे हमारी सारी डेड स्किन निकल जाएगी और सन टैन भी हमारा निकल जाएगा। कॉफ़ी बहुत ही अच्छी है, कॉफ़ी में होता है कैफीन, जो डार्क स्पॉट को और सन टैन को, पिगमेंटेशन को हटाता है और हमारी स्किन को लाइटन और ब्राइटन करता है। तो इसमें जो, अब ये देखिए, ये मैंने कर लिया है वॉश, और मुझे तो भाई स्क्रबिंग के बाद ही वॉश करके बहुत ही अच्छा सा फ़र्क नज़र आ रहा है। आपको तो पता नहीं कैमरे पे दिख रहा है कि नहीं, लेकिन बहुत ही अच्छा मुझे इसको करके लग रहा है। अब थर्ड स्टेप है हमारा स्टीम। अब हम स्टीम लेंगे, अगर आपके पास स्टीमर है तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं है तो इस तरीके से किसी भी बर्तन में हम पानी गर्म कर लेंगे और ऊपर से टावल से ढक के साइड से उसको कवर करके स्टीम ले लेंगे अच्छे से। स्टीम कम से कम हमें 5 से 7 मिनट तक स्टीम लेनी है। इससे क्या हो जाएगा कि पूरे फेस में, ये आप देख सकते हैं, पूरा ये पसीना पसीना सा हो गया। इससे क्या होता है कि जो भी हमारे पोर्स होते हैं ना, वो पोर्स बहुत ही लूज हो जाते हैं, खुल जाते, ब्लैक एंड वाइट हेड्स आराम से निकल जाते हैं। स्पेशली जो नोज पे होते हैं ना, वो वाले भी आप टूल से आराम से इजीली निकाल सकते हैं। इस वक्त ये आराम से निकल जाती है। इसके बाद अगर आपके पास वो टूल है ब्लैक हेड्स निकालने वाला, तो आप उससे भी निकाल सकते हैं, आसानी से निकल जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है मसाज का। मसाज के लिए मैं बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं ले रही हूँ, बहुत सारा मैं तामझाम नहीं कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल हमें इसे रखना है। तो मैं एलोवेरा को बस एक इसमें विटामिन ई की कैप्सूल ऐड कर दूंगी। हथेली पे ही मैं ले रही हूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा पता है कि हमें पता होता है ना कि कितना चाहिए, बस इतना हथेली भर के ले लिया और ये क्रीम में ढंग से मिक्स किया, और अब इसको सर्कुलर मोशन में मैं अच्छे से मसाज कर लूँगी अपने फेस में, जब तक ये पूरा फेस में अब्जॉर्ब नहीं हो जाता। आपको पता है, कोई भी चीज़ खाने से बेहतर है कि उसे, हमारे स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है जो कि डायरेक्ट चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है। किसी भी चीज़ को खाने से ज़्यादा अगर हम जैसे लगाते हैं ना, तो 70% ज़्यादा हमारे स्किन उसको एब्जॉर्ब करती है। तो जैसे इसमें एलोवेरा है, विटामिन ई है, विटामिन हम ई खा भी सकते हैं, और इसको लगाने में भी बहुत अच्छा रहता है।
रहता है। तो ये मसाज मैं तब तक करूँगी जब तक ये स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। अब ये एब्जॉर्ब हो गया है तो मैं अपना फेस वॉश कर लूँगी। ये फेस वॉश होने के बाद विटामिन ई से मुझे अभी थोड़ा सा शाइन दिखने लगा है और अच्छी लग रही है स्किन इसके बाद। अब लास्ट स्टेप आता है मास्क। मास्क के लिए मैं क्या करूँगी कि एक चुटकी हल्दी में थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिला लूँगी, थोड़ा सा टमाटर का रस भी मैंने इसमें डाला था, ये वीडियो में पता नहीं कैसे कट गया, थोड़ा टमाटर का रस और वापस से कॉफ़ी। कॉफ़ी जो मैंने आपको बताया ना बहुत ही अच्छा है, इसमें है एंटीऑक्सीडेंट्स भर भर के हैं जो हमारे स्किन को और भी ज़्यादा टाइटन करते हैं और रिंकल फ्री करते हैं। डायरेक्ट स्किन से जब ये एब्जॉर्ब होता है ना तो इसका बहुत ही अच्छा इफेक्ट हमारी स्किन पे पड़ता है। तो इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना के हम अपने फेस पे लगा लेंगे और कम से कम इसको एब्जॉर्ब होने के लिए मतलब जब तक सूखने तक 10 से 15 मिनट तक इसको छोड़ देंगे। तो अच्छे से मैं इसको अपने पूरे फेस में लगा के और जितना भी ये बच जाता है ना इसको वेस्ट नहीं करना, ये सारा आप अपनी नेक पे लगा सकते हैं। और मैं तो ये सारा स्क्रब भी है ये सब मैंने अपने हैंड्स पे लगा लिया। अब ये देखिए मैं फेस धो के आ गई हूँ, मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए क्योंकि उसमें हल्दी थी ना मेरी वाइट टी शर्ट में लग गई। तो ये देखिए बहुत अच्छा ग्लो है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ थम्स अप कीजिए।